टू माय फैशन डायरी आज हम बनाने जा रहे हैं सिल्क कॉलर टू, यानी अभी बना रहे हैं दूसरी तरीके से सिल्क कॉलर कैसे अटैच किया जाए और ये बॉक्स प्लेटेड बनाएंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं, आपको शोल्डर ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पर जो भी है ब्लाउज है या कुर्ती कुछ भी है, हम लोग आज कुर्ती पे बना रहे हैं। और शोल्डर ज्वाइन कर दिया है और मैंने यहाँ पर कॉलर से के बाद में एक शेप दिया है नेक लाइन में, ये वी शेप, तो इसको आपको फिनिश कर देना है। ये जो वी शेप है उसको फिनिश कर दीजिए, उसके बाद में आपको ये नेक लाइन चेक करनी है। ये पूरी जो नेक लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरी नेक लाइन चेक करनी है कि ये कितने हैं। कर लेते हैं कि ये कितना है हमारा, ये हमारा पूरा नेक है लगभग 16 इंच। तो करना क्या है 16 इंच का, ये जो पूरी नेक लाइन है वो 16 इंच है, तो हमें लेना है स्ट्रिप। जो स्ट्रिप होगी इस कॉलर में लगेगी वो उसकी लेंथ आपकी मर्जी है, आप हाफ इंच लें, यानी कि ये जो सिल्क का कॉलर होगा वो आप हाफ इंच लेना चाहते हैं या 0.75 इंच लेना चाहते हैं या फिर 1 इंच या 1.5 इंच, ये सब आपकी मर्जी है, या फिर आप पूरी नेक को इससे कवर करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है, आप 3 इंच लीजिए या 3.5 इंच लीजिए। ठीक है, मैं ले रही हूँ 0.75 इंच, यानी फिनिशिंग के बाद 0.75 इंच रहनी चाहिए। तो उसके लिए ये है एक स्ट्रिप। तो इस स्ट्रिप का देखिए, जो हमारी नेक लाइन आई है नेकलाइन को 3 गुना करना है। जैसे हम सिल्क कॉलर में आपने पिछली 3 वीडियो में देखा होगा कि हमने जो ये नेकलाइन है उसका 3 गुना किया है, तो ये जो 16 इंच है 16 इंच को 3 गुना करना है। तो 3 गुना करेंगी तो 16 का आएगा 48 इंच। हमें 48 इंच की विड्थ चाहिए इस स्ट्रिप की, और हमें जो कॉलर की जो लेंथ चाहिए वो है 0.75 इंच, तो उसको डबल करेंगे तो वो हो जाएगा 1.5 इंच। तो दोनों साइड से भी आपको हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा, हाफ जैसे ये है हमारी स्ट्रिप, इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से तो ये डबल हो जाएगी, तो दोनों साइड से स्टिचिंग का मार्जिन जाएगा। तो हाफ इंच यहाँ से आपको एक्स्ट्रा लेना है, तो दोनों साइड से लेना होगा तो 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो देखिए 0.75 इंच उसको डबल किया, 1.5 इंच उसमें 1 इंच ऐड किया तो वो हो गया 2.5 इंच। तो अब ये जो हमारी स्ट्रिप है वो 2.5 इंच की है और इसकी जो विड्थ है वो है होनी चाहिए 48 इंच। अभी 48 इंच में ये जो साइड में सेम अलाउंस चला जाता है, हम लोग इसको जब इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच करते हैं तो ये जो सेम अलाउंस आप ले रहे हैं वो एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि हाफ इंच लेते हैं तो दोनों साइड से जाएगा तो आपको 49 इंच लेना होगा। हमारी स्ट्रिप है अभी 48 इंच की, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये स्टिच ले चुकी हूँ, ये कॉर्नर में आपको स्टिच लेना है। अभी उसके बाद में आपको करना क्या है, देखिए स्ट्रिप बनाना कैसे है। ये हमारी जो स्ट्रिप है वो 48 इंच की है और आपको जितनी इंच की आपकी बॉक्स प्लेट चाहिए उसको ट्रिपल कीजिए, यानी 3 गुना कीजिए। तो जैसे 1 इंच चाहिए तो 3 गुना करते तो 3 इंच होता है, या फिर अगर 2 इंच लेना चाहते हैं आपकी एक बॉक्स प्लेट तो उसको 3 गुना कीजिए, यानी कि 6 इंच आता है। तो ये जो आता है 3 इंच और 6 इंच तो आपको 48 इंच से डिवाइड करना है, यानी कि अगर 1 इंच की मैं लेना चाहती हूँ एक बॉक्स प्लेट तो मुझे 48 को डिवाइड करना है 3 से, तो मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो 16, तो 16 आएगा। तो आपको 16 ब्लॉक बनाने हैं इस स्ट्रिप पर, 16 ब्लॉक बनाने हैं कितने 3 इंच के। अगर आप 6 इंच की यानी कि 2 इंच की एक बॉक्स प्लेट बनाना चाहते हैं तो आपको 48 को 6 से डिवाइड करना है और जो आता है उसको उतने ब्लॉक बनाने हैं। 48 इंच को डिवाइड करते हैं 6 से तो आता है 8 इंच, तो आपको 8 इंच की बॉक्स बनाने हैं 6 6 इंचेस के। देखिए ये इस तरीके से होगा, मैं यहाँ पर बनाना चाहती हूँ 1 इंच की एक बॉक्स प्लेट, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 3 इंच के बॉक्स बनाने हैं। ये देखिए 3 इंच का है तो मैं यहाँ पर मार्क दूंगी, ये इस तरीके से ये हुआ एक 3 इंच का। इस तरीके से पूरी स्ट्रिप पर 3 3 इंच के बॉक्स बनाने हैं सारे, तो इस तरीके से मार्क करना है। ये मैं ये सारे
मार्क लगा चुकी हूँ 3-3 इंच के गैप से इस तरीके से। और आप ये चेक कर लीजिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ब्लॉक बन चुके हैं। अभी आपको बॉक्स पीस बनाने कैसे, ये इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी बॉक्स पीस, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं और ये सब हैवी लगता होगा, पर जब इजीली फर्स्ट फर्स्ट बन जाएगा तो कुछ नहीं लगेगा। तो इसकी 3 इंच की सेंटर में आपको एक मार्क देना है, जैसे ये 1.5 इंच पर, 1.5 इंच की इसके एग्जैक्ट पास पास में आपको 1 इंच का मार्क देना है, जैसे ये हुआ एक और ये हुआ दूसरा। इन दोनों को ये अभी बॉक्स प्लेट कैसे बनेगी, एक जाएगा इसके अंदर सारा यूं और दूसरा आएगा इस तरीके से यहाँ इसके ऊपर। तो ये जो बॉक्स प्लेट बनेगी वो एग्जैक्ट और इक्वल बनेगी, देखिए इस तरीके से एकदम सही बनेगी। आप जब पूरा देखेंगे ट्यूटोरियल तो सही बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो एक बेबी ड्रेस बनाई थी जो बॉक्स प्लीज की, मैंने वहां पर भी डिटेल में यही समझाया है। चलिए अभी एक चीज ध्यान रखिए, जब पहली ये प्लीट्स पूरी हो रही है उसके जस्ट सेकंड प्लीट्स शुरू हो जानी चाहिए। ये आपने फिल कॉलर में भी देखा होगा। हमारी बॉक्स ब्लीट्स बनकर रेडी है और अभी इसको चेक करते हैं, क्योंकि हमारी नेकलाइन के जितना ही होना चाहिए यानी 16 इंच। यहां से चेक कीजिए आप इसको, जहां स्टिच लिया है वहीं से, क्योंकि ऊपर से करेंगे तो ये खुलता है तो आप सही मेजरमेंट नहीं देगा। ये तो जहां से स्टिच किया है वहीं से चेक करना होगा हमें। ये देखिए हमारा 16 इंच है एग्जैक्ट। और एक ही चीज ध्यान रखनी है, जहां पहली बॉक्स प्लीट खत्म हो जाती है उसी के पास एग्जैक्ट दूसरी शुरू कीजिए तो वो सही रहेगी। और आपका जैसे अभी 48 इंच है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 16 इंच। तो अभी इसको आप पहले आयरन कर दीजिए, क्योंकि डबल भी है और थोड़ा फ्लफी रहेगा, तो आप चाहें तो पहले आयरन कर दीजिए उसके बाद में हम नेकलाइन में अटैच करेंगे। आयरन कर चुकी हूँ, अभी हमें इसको लगाना है हमारी नेकलाइन पर। तो नेकलाइन में यहाँ स्टार्टिंग भाग से इसको लगाना शुरू करना है। तो देखिए ये जो हिस्सा है ये रहना चाहिए, ये हमारा आगे रहे, या जो भी दोनों सेम ही होंगे आप जो चाहते हैं वैसे। पर यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग का हिस्सा है ये वाला थोड़ा दिखता है, तो ये इसको अंदर की साइड में रहे, यानी कि दिखने वाला भाग रहेगा ये इस तरीके से, ये यहाँ। तो आपको लगाना है
ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरीके से रहे, इस तरीके से रहना चाहिए। यहाँ पर ये इस तरीके से दिखेगा, तो हम लोग इसको नेक लाइन पर यहाँ इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ से पूरा स्टिच लेना है, जैसे ये वाला हिस्सा जो स्टार्टिंग का है वो यहाँ पर, और यहाँ से पूरी नेक लाइन पर स्टिच लेंगे। फिर उसके बाद में चलिए एक बार स्टिच ले लेते हैं, स्टिच लेना शुरू करते हैं। और ये जो हिस्सा है ये आप देखिए इस तरीके से है, और ये हमारा राइट साइड है हमारी कुर्ती का और नेक लाइन का। तो चलिए स्टिच लेते हैं। देखिए ये जो कॉलर है आप किसी के लिए भी डाल सकते हैं, ब्लाउज हो या कुर्ती हो या टॉप हो या कुछ भी, आप जो भी बना रहे हैं उसके लिए। अभी इसको यहाँ से स्टिच लेना है पूरा। ये जो जैसे ये शोल्डर है तो यहाँ शोल्डर पे मैंने पिनअप किया है, दूसरा जो शोल्डर है वहां पिनअप किया है, और ये जो बैक साइड में सेंटर का हिस्सा है वहां पिनअप किया है। तो इतना इतना पिनअप कीजिए, काफी है। सिर्फ ये ध्यान रखने के लिए कि हमारी ये जो नेक लाइन जो ये प्लीट्स का कॉलर है वो एग्जैक्ट उसी जैसे ये शोल्डर है तो शोल्डर को टच करा ऐसे होना चाहिए, तो आपका ये ऊपर नीचे भी नहीं होगा। लगाने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, ये इस तरीके से कॉलर लग गया, अभी इसको खोल दीजिए। ये जो ये वाली जो स्टिच है इसको दबाना है यहाँ पर, इसके ऊपर स्टिच लेना है। जो नेक लाइन है यहाँ पर इसके ऊपर एक एग्जैक्ट इसके पास में, फिर एक इसके नीचे नीचे स्टिच लेनी है। जैसे ये देखिए ये इसको यहाँ पर स्टिच लिया, और इसके एग्जैक्ट जहाँ पर ये वाला हिस्सा है वहाँ पर स्टिच लेने हैं। अगर आप चाहें कि ये वाले ये जो स्टिच लेने के बाद ये जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा रह गया है, तो आप इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, ट्रिम कर दीजिए, और उसके बाद जितना है हिस्सा उसके पास पास ये इसको यूं दबा कर यहाँ पर स्टिच लेनी है। दो देखिए ये ऊपर ऊपर की स्टिच हो चुकी है, तो अभी यहाँ एग्जैक्ट उसके पास पास में यहाँ पर स्टिच ले लेते हैं। जैसे ये हमारी ये जो स्टिच लेने के बाद इस तरीके से ये रहता है, तो ये इसके एग्जैक्ट पास पास में रहेगी। तो चलिए स्टिच लेना शुरू करते हैं। अब ये कॉलर इस तरीके से रहेगा जब आप अटैच करेंगे यहाँ पर। अगर चाहें तो जिगजैग की स्टिच ले लीजिए, और उसके बाद में इसको ये जो दूसरी स्टिच होती है उसके बाद में वो लीजिए तो सही रहेगा। और ये कॉलर इस तरीके से रहेगा जब आप पहनेंगे, जो नॉर्मल कॉलर्स होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं, जैसे रहते हैं वो वही ये भी वैसे ही रहेगा, और इसमें कुछ और अलग नहीं रहेगा। और जैसे देखिए ये अभी यहाँ पर ये फ्रिल कॉलर को हमने यहाँ पर बॉक्स प्लेटेड डाला है, तो आप
अपने यहाँ मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक ही बॉक्स प्लेट ले ली तो बाकी की यहाँ की जो प्लेट्स है वो इस रॉ में लीजिए, फिर यहाँ से इस टाइप इधर साइड में लीजिए, जो भी मर्जी आपकी क्रिएटिविटी आपकी है। इस तरीके से कुछ अलग नहीं है, एक सिंपल सा नॉर्मल सा वीडियो है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।